गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। मैं हूँ करुणा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनबॉक्सिंग फरवरी मंथ के फैब बैग की। ये जो पार्सल है मुझे काफ़ी लेट रिसीव हुआ है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और सेकेंड मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए, जो कि इस टाइम पे आपको थोड़ा हो सकता है नॉर्मल से ज़्यादा सुनाई दें। सो प्लीज़ अवॉइड दैट नॉइज, ओनली फोकस ऑन द अनबॉक्सिंग एंड द फैब बैग प्रोडक्ट्स। तो चलिए बगैर ज़्यादा देरी करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो इस मंथ का जो फैब बैग है उसकी जो पैकेजिंग है, आउटर पैकेजिंग, वो कुछ इस तरीके की है। कार्डबोर्ड बॉक्स है ये, तो चलिए जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें पूरे बॉक्स पे फैब बैग लिखा हुआ है। और ये जो बैग है इसका जो कॉस्टिंग है वो है 599 रुपीज़ की, मतलब 599 रुपीज़ का बॉक्स पड़ा है ये फरवरी मंथ का। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट हैं वो कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ कि क्या क्या रिसीव हुआ है मुझे फरवरी मंथ के फैब बैग में। फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ फरवरी मंथ का जो फैब बैग है वो कैसा है। तो ये क्यूट सा रेड लिप शेप्ड पाउच है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और जो भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ इसके अंदर हैं, तो मैं जल्दी से वो प्रोडक्ट्स भी इसमें से निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले इसमें से कुछ ये कार्ड्स हैं, ये हैं इनमें, जो मैं भी देखती हूँ। और फिर कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं वो भी मैं निकाल लेती हूँ इनमें से। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाउच की। पाउच का जो आउटर है ये है वेलवेट काइंड ऑफ पाउच है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा पाउच है ये। और अंदर का मटेरियल जो है वो भी इसका काफ़ी अच्छा है, कोई बहुत ही चीप क्वालिटी नहीं है पाउच की। तो पाउच बहुत ही अच्छा है और इसके साइड में ये टैग लगा हुआ है फैब बैग का। और इनकी जो जिप है इसके, ये जो कुंडा बोलते हैं इसको, इसमें भी फैब बैग लिखा हुआ है। तो जो पाउच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये पाउच। देन इसके बाद स्किन केयर में मुझे ये रिसीव हुआ है नरिश मंत्रा का ये कोकम्बर एंड मिंट उपवन फेशियल क्लेंजर, ये है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 70 ml की और इसकी जो कॉस्टिंग है वो है 875 रुपीज़। अकेला ये प्रोडक्ट ही इस मंथ के फैब बैग की कॉस्ट को कवर कर लेता है। साथ ही साथ जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो है 12/2021, यानी आप इसको December 2021 तक के यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसमें लिखा हुआ है कूलिंग जेल क्लेंजर टू रिफ्रेश योर स्किन एंड सेंस मेड विथ नेचर्स फाइनेस्ट एथेंटिकली सोर्स इंग्रेडिएंट्स। तो बाकी इसके जो थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसमें है प्योरीफाइड एक्वा और सोडियम कोकोइल ग्लिसिनेट और इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये यहाँ पे मेंशन हैं सारे प्रोडक्ट्स। तो इसकी आउटर पैकेजिंग है और मैं इसको आपको अंदर से भी खोल के दिखाती हूँ। ये एक ट्यूब है ये, और बाकी जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इसमें सेम ही लिखी हुई हैं। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये जेल बेस्ड क्लेंजर है बेसिकली, थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। तो आई थिंक ये एक्ने प्रोन स्किन और जिनकी ऑयली स्किन रहती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये। देन इसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये रास्पबेरी लिप स्क्रब। इसका ये प्लास्टिक की इसमें पैकेजिंग, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ जल्दी से। ये जो प्रोडक्ट है ये टोटल 12 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 6 मंथ की। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मुझे नहीं दिख रही है क्योंकि मैं भी इसमें नहीं लिखा है और इसकी कॉस्टिंग भी नहीं लिखी है, क्योंकि जो भी ये कार्ड्स हैं इसमें कोई प्रोडक्ट डिटेल का कार्ड नहीं है, ये सारे कूपन वाले कार्ड्स हैं। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि क्या क्या है। देन इसके बाद मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखा देती हूँ ये कैसा है। तो इसमें बहुत ही अच्छी
फ्रेग्रेंस है रास्पबेरी की, तो और जो स्क्रब है वो ड्राई फॉर्म में है, तो आप इसको ग्लिसरीन या हनी या सिंपल प्लेन वाटर या रोज़ वाटर के साथ आप मिक्स करके अपने लिप्स पे अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं शुगर के, तो मैं वन बाय वन आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स भी दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्मज मी नॉट लिप ड्यू 10 ड्रॉप डेड रेड, इसका शेड है ये, इस तरीके की इसकी आउटर पैकेजिंग है और इसका शेड नंबर है 10। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 11/2023 और इसकी जो एमआरपी है वो है 599 रुपीज़। सो मैं आपको इसको अंदर से भी ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके का ये ड्यू है, इसके एक साइड पे आपको मिल जाता है ये प्लेन ट्रांसपेरेंट और ये कलर्ड है, मैं इसको भी ओपन कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी और मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ। इसका एप्लीकेटर भी काफ़ी अच्छा है और ये शेड है। ट्रांसपेरेंट साइड भी आपको दिखाती हूँ, हालांकि ये इतना शायद मे भी ना पता चले, तो मैं इसी के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो अगर आपका मन है तो आप इस लिपस्टिक को एज अ मैट लिपस्टिक लगा सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके की दिखेगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिप्स जो हैं वो थोड़े से ग्लॉसी दिखाई दें तो आप लिपस्टिक के ऊपर ये ग्लॉस अप्लाई कर सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो काफ़ी अच्छा ड्यू है ये और इसका जो शेड है वो है शेड नंबर 10 ड्रॉप डेड रेड, और इसका जो टोटल प्रोडक्ट है वो है 3.5 ml। और दूसरे साइड पे लिखा है क्लियर ग्लॉस और ये भी 3.5 ml का प्रोडक्ट है, तो आपको 3.5 ml इधर और 3.5 ml इधर दोनों साइड पे मिलता है, टोटल आपको 7 ml प्रोडक्ट रिसीव होता है ये। तो थर्ड प्रोडक्ट था ये। इसके बाद है फोर्थ और लास्ट प्रोडक्ट, ये भी शुगर कॉस्मेटिक्स की आर्च अराइवल ब्राउ रिफाइनर है और इसका शेड है 01 जेरी ब्राउन, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 499 रुपीज़ की। तो मैं इसको जल्दी से ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि ये ब्राउ रिफाइनर कैसा है। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है इसकी और ये दोनों ही साइड पे है, आई थिंक एक साइड पे इसका डिफाइनर होगा और सेकेंड साइड पे स्पूली होगा। तो मैं इसकी ये जो पैकेजिंग है इसको भी ओपन कर लेती हूँ। सो ये कुछ इस तरीके की इसकी इनर पैकेजिंग है और इस तरीके का ये ब्राउ डिफाइनर है, ये ट्रायंगल शेप में है आगे से। थिंक कैमरा पिक नहीं करेगा, मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ। ये इसका शेड है, तो आई थिंक इसे आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हैं, और दूसरी साइड पे ये है स्पूली, तो आप आईब्रो सेट करने के बाद अपने आईब्रोज को अच्छे तरीके से कॉम्ब भी कर सकते हैं। सो फोर्थ प्रोडक्ट था ये शुगर कॉस्मेटिक्स की तरफ से, और इसका नेट कंटेंट इसमें कितना है वो नहीं लिखा हुआ है, इसके बॉक्स पर भी नहीं लिखा है और उस पे भी अंदर वाली पैकेजिंग पे भी कहीं नहीं लिखा है, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि टोटल कंटेंट कितना है इसमें। देन इसके बाद मुझे ये चार कार्ड रिसीव हुए हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो रिन्यूअल ऑफर है 10% ऑफ का, तो अगर आपको अपना फैब बैग रिन्यू कराना है तो आप इस वाले कोड को यूज़ कर सकते हैं, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। देन जो सेकेंड है वो है द सील्ड विथ अ किस फेब्रुअरी फैब बैग, डियर करुणा हैव फन ट्राइंग दीज आउट। ओके दिस इज़ द इन्फो कार्ड, सॉरी मैंने इसको देखा नहीं। तो मैंने आपको लिप स्क्रब का प्राइस नहीं बताया था, तो जो लिप स्क्रब है इसका प्राइस है 299 रुपीज़ का, ये कॉस्ट करता है स्क्रब। सो दिस इज द इन्फो कार्ड एंड देन इसके बाद है #इन माई फैब बैग कॉन्टेस्ट, ये शुगर कॉस्मेटिक्स की तरफ से एक फैब बैग के साथ कोलैबोरेशन में एक कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट
कॉन्टेस्ट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सो इसमें कुछ डिटेलिंग है कि हाउ टू पार्टिसिपेट, मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी से। क्लिक अ पिक्चर ऑफ व्हाट्स इन योर फेब्रुअरी फैब बैग, टैग अस यूजिंग हैशटैग इन माय फैब बैग ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, एंड सेंड अ चांस टू विन अ शुगर कॉन्टोर द फोर्स फेस पैलेट 01 सबटल समिट। ये वाला अगर आपको पैलेट जीतना है तो आपको अपनी फेब्रुअरी फैब के बैग के साथ एक फोटो क्लिक करनी है और उसको अपलोड करना है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, और आप जीत सकते हैं इस पैलेट को। सो ये एक कॉन्टेस्ट कार्ड है एक तरीके से, और इसमें 10 विनर्स जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। देन इसके बाद है मेरे पास ये लास्ट कार्ड जो कि है नरिश मंत्रा का, और ये मॉडर्नाइजिंग इंडियन ब्यूटी रिचुअल्स हैं, और इसमें आपको कोड यूज़ करने पर 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और इसमें नीचे इनकी वेबसाइट वगैरह दी हुई है। सो इसमें आपको फेस केयर, बॉडी केयर और हेयर केयर के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये आपको फ्री शिपिंग दे रहे हैं, गिफ्ट विथ हर एक फ्री गिफ्ट भी दे रहे हैं आपके परचेज पे, और इनके पास COD भी अवेलेबल है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज फैब बैग अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप कि आपको ये फेब्रुअरी मंथ का फैब बैग पसंद आया हो। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ये फैब बैग के प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों, तो आप जल्दी जल्दी से जाके फैब बैग की वेबसाइट से अपने लिए फैब बैग ऑर्डर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।